जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इस कॉमिक्स को बड़ी सर्च किया था मैंने, और बहुत रेयर से ये मिली थी। उस समय शायद मैं क्लास 6 7 8 में था, और शायद 1998 99 या 2000, शायद 98 97 का बात है। बड़ी सर्च की थी, और ये जब इसका ऐड आया था, इसका बहुत चर्चा हुआ था, खास करके जो उस समय का ऐड दिया गया था वो ज़बरदस्त था। और वैसे भी मनोज कॉमिक्स अभी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री उसकी बराबरी नहीं कर सकती, भले ही आप ही इस टाइम में BFX वाले जो आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो, शॉर्ट फ्रेम वाले, लेकिन मनोज कॉमिक्स से बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। भीख दो दुआ लो, 10 दुआ लेने पर 1 दुआ मुफ्त, एक दुआ 10 रुपये मात्र। कुरुबंड गेट, एकदम मार्वलस एक्सीलेंट ये कैरेक्टर था, मनोज कॉमिक्स का खोजा गया कुरुकमांड। खास करके बिल्कुल यूनिक, इसकी कि किसी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉमिक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं। मनोज कॉमिक्स में ये खूबी होती थी कि उसके जो कैरेक्टर्स थे ज़्यादातर वो किसी से कॉपी नहीं होते थे, और बाकी पब्लिकेशन के तो पूछने ही क्या, सब एक दूसरे के कॉपी हैं। टीकाराम सिप्पी, संदीप गुप्ता, दिलीप कदम, तुषार लश्करे, उस ज़माने के बेहतरीन राइटर्स आर्टिस्ट। अरे ये क्या, यह तो अपना क्रुकबांड है पाठ को, पर ये हाथ में कटोरा, तन पर चिठरे, होठों पर दुआएं, आखिर क्या राज है इसका। सेल सेल सेल, 10 दुआ लेने पर 1 दुआ मुफ्त, 1 दुआ 10 रुपये मात्र। साहेबान कदरदान आइए, अमेरिका रिटर्न, भिखारियों के भिखारी, कुरुकबांड जी सिर्फ़ 1 दिन के लिए शहर में पधारे, इनकी दुआओं से अमेरिका के कई कंगाल करोड़पति बन गए। आप भी आइए, दीजिए भीख और लीजिए करोड़पति बनने की दुआ। ये राज की बात हम आपको नहीं, हास्य से भरपूर हमारी यह चित्रकथा बताएगी, जिसका नाम है भीख तो दुआ लो। राजनगर की हर गली हर नुक्कड़ पर आजकल मच्छरों की भांति भिखारियों की टोलियां भिन भिना रही थी। हमारे यहाँ आपके भीख के बदले तसल्ली बख्श दुआ दी जाती है, शादी विवाह के लिए दुआओं का विशेष प्रबंध है। दूसरे भिखारी के बोर्ड पर भी बड़े बड़े शब्दों में मज़ेदार वाक्य लिखे थे। भीख देने से पहले ज़रा सोचिए, कहीं आपकी भीख व्यर्थ तो नहीं जा रही है, इसलिए भीख हमें ही दीजिए और सच्ची दुआ लीजिए गंगू भिखारी। तीसरे भिखारी ने तो हद ही कर रखी थी, हमें भीख दीजिए और 100% सच्ची दुआ लीजिए, दुनिया न नरले पर भीख वापस, डिंग डॉग। भिक्षा मांगने का यह तरीका केवल गली नुक्कड़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि घर घर तक फैल रहा था। अरे मैम साहब कहाँ चले, मैं चली सेंटू राम रोंटू राम को भीख देने, सुना है उसकी दुआ से बड़े बड़े कंगाल करोड़पति हो गए। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं भी चलता हूँ, इतनी भूख दूंगा कि पूरे घर की दुआएं ले लूँगा, टेन टेन। शहर में दिनों दिन बढ़ते इस भिक्षा आंदोलन से निपटने के लिए राजनगर के नए पुलिस कमिश्नर हिटलर हरियाणवी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। ऑफिसर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस आपातकालीन मीटिंग का विषय भिखारी। पिछले कुछ दिनों से अचानक हमारे शहर पर भिखारियों का हमला सा हो गया है। कमिश्नर का तेज स्वर और तेज हो गया, हर गली हर नुक्कड़ पर भिखारी भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि वो भिखारी भीख मांग मांग कर पूरे शहर को अपने जैसा फटेहाल बना डाले, उन्हें पकड़कर हवालात में बंद करना होगा। ऑफिसर्स, ये हमारी अग्नि परीक्षा, 2 दिन में शहर का हर भिखारी हवालात में होना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए सर, ऐसा ही होगा। दोस्तों आपने देखा कि कहानी में जुर्म कानून की एंट्री तो हो गई, अब बारी है नायक की, यानी आपके प्यारे हरदिल अजीज सुपर जासूस क्रुकबांड और उसके चेले मोटू की। अफसोस की बात है कि यूट्यूब पर एक वीडियो बना हुआ है क्रुकबांड और मोटू का, जो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, उतना प्रभावशाली नहीं है, नहीं वो प्रभाव छोड़ पाता है। और क्रुकबांड और मोटू का जो करेक्टर वो अपने आप में लेजेंड करेक्टर है, बल्कि एनिमेशन स्टोरीज में जैसे मार्वल, DC, एक्समैन, अवेंजर्स ये सब होते हैं, उस तरह से क्रुकबांड और मोटू को भी दिखाने का इनिशिएटिव लेना चाहिए हमारे जो
कॉमिक बुक इलस्ट्रेटर्स हैं, एनिमेशन्स पे कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए जो कि मच बेटर हो सकते हैं। बांट भैया, आज मौसम बहुत अच्छा है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। मोटू के बच्चे, तुझे मौसम की पड़ी है और मैं धंधे के फिक्र में मरा जा रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से हमारे पास एक भी केस नहीं है, सारी जमा पूंजी में हम पहले ही खा पी कर उड़ा चुके हैं, अब आगे क्या होगा। बाबूजी 1 रुपया दे दो। लो, हो गया कंगाली माटा गीला। मोटू, अब तू ही से समझा, हमारी तो बस शक्ल ही अच्छी है, वरना जेब से तो हम भी इसी के भाई बंधु हैं। जा भाई जा, रुपया नहीं है। किंतु भिखारी ने तो उनसे जैसे भीख लेने की कसम खा ली थी। बाबूजी, आपके पास बच्चे जी हैं, रुपया नहीं है तो 50 पैसे दीजिए। अबे कह तो दिया नहीं है तो फिर 25 पैसे ही दे दीजिए। अबे क्या है, तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि हमारी जेबों में 10 का सिक्का भी नहीं है। अब तो भिखारी को ताव आ गया। अबे जब तेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है, आ जा मेरे पटरे पर बैठ और मांग और भीख मांग। शाम को मजदूरी के 50 रुपये मैं दे दूंगा तुझे। खिसक ले मोटू प्यारे, वरना यह भिखारी हमारी वर्षों से बनी इज्जत की मटिया मेट कर देगा। उधर दमड़ी लाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर टैक्सी से उतरे सेठ दमड़ी लाल। कितने पैसे हुए भैया? 40 रुपये सेठ जी। अपनी उल्लुओं जैसी गोल आंखों को फाड़ते हुए गर्ज उठे सेठ दमड़ी लाल। क्या कहा, 40 रुपये? अबे तुम मुझे टैक्सी में बिठा कर लाया या अपने कंधे पर? ले 20 रुपये रख, वैसे भी यह अभी ज़्यादा ही है। यह था दमड़ी सेठ का जग प्रसिद्ध कंजूसी करमना। ही। सुसरे को धुरकी देकर 20 रुपये बचा लिए, साला कंजूस मुखी चूस। अपने शानदार कारनामे पर खुश होते हुए जाने के लिए मुड़े ही थे सेठ दमड़ी लाल की अचानक चीख पड़े, नहीं। वो रहा सेठ, पकड़ लो सेठ, हमें भीख देकर तू ही अपना कदम आगे बढ़ा सकता है, वरना हम सब की बददुआओं से तेरा बिड़ागा रखी हो जाएगा। मुझे जाने दो, अगर तुम्हें भीख दूंगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। भिखारियों को धकेल कर यूं भागा सेठ मानो उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हो। मैंने 50 साल में आज तक किसी को भी भीख में खोटा सिक्का तक नहीं दिया, पर भिखारी भी कम नहीं थे सेठ। हमें भीख का बिजनेस करते करते 20 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा शिकार हमसे हमें भीख दिए बिना भाग जाए। पीछा करो, पैसे वालों से भीख लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दम दबाकर भागता सेठ पहुंच गया था कायकार के पास। भाई साहब प्लीज़, मुझे इन भिखारियों से बचाओ वरना यह मुझे लूट लेंगे, प्लीज़। कार वाला मुस्कुराया और एक कटोरा हाथ आगे कर दिया। हाँ, उससे तो मैं तुझे बचा लूँगा सेठ, पर अगर तूने मुझे भीख नहीं दी तो तुझे मुझसे कौन बचाएगा? सेठ की तो मारे डर की घिघी बन गई। ओए कार वाला भिखारी, बचाओ। बचाओ का आवाज़ सुनकर कुर्बान और मोटू के कान खड़े हो गए। ओए मोटू, लगता है उस कार में कोई मुसीबत में है, इसे बचाना होगा। लगता है कि उस कार में कोई मुसीबत में उसे बचाना हुआ, पर वो कैसे बांट गया? अचानक पीछे आता एक भिखारी अपने पटरे से लुढ़क गया। अनियंत्रित पटरा तेजी से आगे बढ़ा, सर आ और जा टकरा कुर्बान के पैरों से। लड़खड़ा कुर्बान
और आ गिरा पटरे पर, हाय टूट गई नाजुक कमर या धप। आ पटरा तेजी से ढलवा सड़क पर दौड़ रहा था। वाह बांड भैया, क्या टेक्निक निकाली है कार का पीछा करने की। रुबांड को पीछे आता देख सेठ दमरी लाल की हिम्मत बढ़ गई। वह देख भिखारी की औलाद मसूर दासूस मसूर जासूस कुरुबांड आ रहा है तेरा बैंड बजाने। नहीं दूंगा नहीं दूंगा तुझे भीख। इसी पल तीव्र गति से आता पटरा स्पीड ब्रेकर से टकरा कर उछला और कुरुबांड ने सीधे लैंड किया भिखारी की कार पर। ओह मर गया, घबरा गया चार कार चालक। बाप रे क्या यह हिम्मत की दुम है। तो जासूस की दुम तो बहुत हिम्मत वाला, छलांग मारकर कार की छत पर चढ़ गया। हड़बड़ाहट में डगमगाया स्टीयरिंग और कार जा टकरे एक पेड़ से। आय रे मैया, आज किस मनहूस का मुंह देखकर निकला था घर से। शीघ्र ही उठे कुरुकबाण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं आते तो भिखारी मुझे लूट ही लेते। ओह मैं तो यही सोच रहा था कि कार का कचूमर बनाने की वजह से मुझे मार पड़ने वाली है, पर यह कह रहा है कि मैंने इसे बचा लिया वो मारा पापड़ वाले को। लगता है आज फिर अंधे के हाथ बटेर लग गई। छाती फुला ली गर्व से कृपण हे धन्यवाद किस बात का सेठ जी। यह तो मेरा फर्ज था, पर वह भिखारी कहाँ है। कार में ही है, बेहोश तो हो गया ससुरा। अच्छा मैं चलता हूँ। सेठ दमनी लाल कि जाते ही मोटू वहाँ पहुँचा था। वाह बांड भैया क्या स्टंट मैंने दिखाई है अपने। अबे चुप, यहाँ मेरे जिस्म का एक एक हड्डी हिल गई है और तुझे तारीफ सूझ रही है। चल घर चलकर आराम करते हैं। उधर वह भिखारी बेहोश नहीं था बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। मेरे धंधे में टांग अड़ाकर इस लंबू ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। अगर इसके हाथ में भीख का कटोरा न थमाया तो मेरा नाम भी भीखू मल नहीं। ओ भाई लंबू बांड भैया, उस लुटेरे को होश आ गया। घर में बैठो, मैं लुटेरा नहीं भिखारी हुआ हूँ भैया। मैं लुटेरा नहीं भिखारी हूँ भाई, तुझे मैं चोट लगी होगी। आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आगे चल बे, हम भिखारियों से लिफ्ट नहीं लेते। भिकुमल को मक्खन आसान लगाना नहीं आता। क्या